अंकिता एंड विक्की बहुत सोच समझ के उस शो के अंदर गए हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने शायद देखा है और घोल के शायद पिया है उस शो को, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी प्रिटेंडिंग ही चालू है उन दोनों की। मुनव्वर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, शांत उनका नेचर है, तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं, उनको शायद मैं आगे जाके सपोर्ट करूंगी। इन सीजन पे बिग बॉस भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बिग बॉस 17 के बारे में, कैसा लग रहा है गेम? मैं ऑन एंड ऑफ देख रही हूँ, मुझे बिट्स एंड पार्ट्स में मुझे पता है जब जियो की कोई क्लिप दिख जाती है कुछ अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि क्यों ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी तक मैं मुझसे वही अभी सवाल किया कि आपको कौन सही लग रहा है, मतलब कौन रियल लग रहा है कौन फेक लग रहा है, लाइक अभी तक मुझे कोई रियल पर्सनैलिटी लगी नहीं है कि जिसको मैं सपोर्ट करूँ, मतलब जिससे मुझे प्यार हो जाए। हाँ, मुनव्वर मुझे, ओके थैंक यू, मुनव्वर मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, शांत उनका नेचर है, तो वो एक मुझे कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे हैं, उनको शायद मैं आगे जाके सपोर्ट करूंगी। मैं अभी भी ऐसा ही है, न्यूट्रल है मेरा, बट एज़ फार एज़ नाउ अभी तक उनके अलावा मुझे कोई अभी तक रियल पर्सनालिटी नहीं लगा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है सब प्रिटेंड कर रहे हैं। ओके, एंड अंकिता एंड विक्की को लेकर आपकी क्या राय है? अंकिता एंड विक्की बहुत सोच समझ के उस शो के अंदर गए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने शायद देखा है और घोल के शायद पिया है उस शो को, तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी प्रिटेंडिंग ही चालू है उन दोनों की, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मैं नहीं कह सकती कि कितनी सही हैं या कितनी गलत, फेक हैं, गलत इन द सेंस फेक हैं, तो मुझे नहीं पता है अभी कि क्या है दोनों का, अभी कुछ टाइम बाद आई थिंक समझ में आएगा, अगर सच में लड़ाई हो रही है तो आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा हो रहा है। जिस तरीके से आपने मुनव्वर की बात की, क्या लगता है अगर मुनव्वर विनर बनेगा तो उसको क्या अपने अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए जैसा चल रहा है? नहीं नहीं, अगर वो विनर बन रहे हैं तो इसका मतलब वो हैं परफेक्ट और वो डिजर्विंग हैं उस शो के लिए, अभी तक तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं, बोलने उठने की हर चीज़ की तमीज़ है उस शख्स के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बनते हैं विनर तो मैं खुशी होंगी। एंड बात करो अगर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट से, तो कहाँ कुछ क्या करते हुए नजर आएंगे आप? मैं आप लोगों को बहुत जल्द इंशाल्लाह मोस्टली फरवरी में मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी और उसी का शूट अभी मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ अपने फैंस की तरह। ग्रेट, अगर बात करूँ कंटेस्टेंट्स की, तो जर्ड एलविश ये भी एक नए शो में नजर आ रहे हैं जो जियो सिनेमा पे चल रहा है, ऐसा लगता है जेड को एक सही जगह मिल गई, बहुत बिल्कुल सही प्रोजेक्ट मिला जेड को, जेड जेड के लिए परफेक्ट है टेम्पटेशन आइलैंड एंड ही इज एंजॉयिंग इट बहुत ज़्यादा, वो उसको मज़े आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ठीक है भी चल रहा है। एलविश और अभिषेक भी एज अ यू नो एंटरटेनर अंदर गए हैं, वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं, होस्ट बने हुए हैं, तो अच्छी चीज़ है, कुछ नया देखने को मिल रहा है सबको। कोई रियलिटी शो की बात करें तो कोई ऐसा रियलिटी शो जिसका चाहती कि यार मैं भी कोई हिस्सा बनना चाहूँ, कोई ऐसा रियलिटी शो? आई वुड लव टू डू झलक दिखला जा, डांसिंग इज माय पैशन, सो आई वुड लव टू डू इट। एंड झलक की बात की तो शिव अभी अंदर है जी, क्या लगता है शिव के जो ठुमके वो कैसे लगेंगे, देखा कोई एपिसोड? देखा मैंने शिव का, मैंने प्रोमो देखा, मल्हारी पे उन्होंने परफॉर्म किया है और अच्छा लगा मुझे, बिकॉज आई थिंक ही इज उनका, मैंने हमेशा उनको ना ऐसे स्टंट्स करते देखा है या बिग बॉस में देखा, मैंने उनको कभी डांस करते हुए नहीं देखा था, फॉर मी इट्स अ चेंज, शिव को मैं डांस करते हुए देख रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और अभी आई एम श्योर कि अभी और भी कंटेस्टेंट्स के मैंने वीडियोस देखने बाकी हैं, तो जब तक मैंने देखा है शिव को देखा है, बहुत अच्छा किया है। ग्रेट, लास्टली अपने फैंस ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई हो और आने वाले दिनों के लिए आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद, क्योंकि क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा, एंड आई लव यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।